आज हम आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की एक हॉस्पिटल का एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर आने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उसको वो किस तरह से उसका मैनेजमेंट कर रही है और किस तरह से वो काम कर रही है। कालका जी के पास में पूर्णिमा सेठी एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में 2-3 मिनट का एक वीडियो है, हम उसे दिखाना चाहते हैं आपको और उस हॉस्पिटल की हालात देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। तो पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है भारतीय जनता पार्टी का, जो नगर निगम ने बनाया था। ये मल्टी स्पेशलिस्ट पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल कालका जी के अंदर है और आप देख सकते हैं इसमें बेसमेंट में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। नीचे काफ़ी नीचे तक पानी है इसमें, ये ऊपर आ गया है और नीचे कितना है ये भी जांच का विषय है। और ये पानी क्यों आ रहा है इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये लिफ्ट अभी तक चालू नहीं है। पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंतर्गत आता है, 2007 में ये हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ, उस समय इसका रेट था 9 करोड़ रुपए, कि 9 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा और इसको 2012 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन इस हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ 2021 में। जो हॉस्पिटल 9 करोड़ रुपए में बनना था उस हॉस्पिटल की आज लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस अस्पताल पे बनने में, जो 9 करोड़ में बन सकता था। दूसरी चीज़, एमसीडी के ऑडिटर ने ये प्रश्न पूछा कि जो आपने ये पेमेंट की है उसमें से 4 करोड़ रुपए किसको पेमेंट की है उसका डिटेल बताइए, मतलब 4 करोड़ रुपए इन्होंने किसको दे दी ये भी डिटेल इनके पास नहीं है। हॉस्पिटल के पास पूरा का पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है और दीवारों की हालात आपको हमने दिखा दी। इस बिल्डिंग के पास फायर की एनओसी नहीं है, इस बिल्डिंग के पास कोई भी अपना, अगर आप दवा के नाम पे, वहाँ पे पैरासीटामोल मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ये हालात हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी किस तरह के अस्पताल बनाना चाहती है, किस तरह के अस्पताल बना रही है, किस तरह के अस्पताल दिखा रही है। 9 करोड़ रुपए में जो हॉस्पिटल बनना था वो आज 60 से 70 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल कैसे बना, इसका मतलब इसके में बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं चाहूँगा कि रमेश बुदड़ी जी इसका जवाब दें, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता, आदेश गुप्ता जी इसका जवाब दें जब भी उनके पास समय हो, कल परसों में। दिल्ली की जनता, अगर आप पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं तो उसका स्वागत करेंगे।